बहुत से लोग जो है अपने खेतों को जो है ट्रैक्टर से बाते हैं, पर बहुत से लोग जो है ऐसे हैं जो एकदम पारंपरिक तरीके से जो है खेत को बैलों से बाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे भारत में 70% लोग जो है कृषि पर ही निर्भर हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ये भी पता होगा, जो हमारा भारत है यह विश्व में गेहूँ उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो है धान काट लिया है, धान माड़ भी लिया है, अब बारी है गेहूं बोने की। तो दोस्तों, अभी जो आप देख पा रहे हैं मौसम काफ़ी भयंकर हो रखा है, बारिश आने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बैक कैमरा करके चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूं कि लोग जो है अभी भी अपने काम में व्यस्त हैं। तो 2 मिनट रुको, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी लोग अपने काम पर व्यस्त हैं, सभी जो है गेहूं बोने में व्यस्त है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी जो है टेक्नोलॉजी वाला ज़माना आ चुका है। बहुत से लोग जो है अपने खेतों को जो है ट्रैक्टर से बाते हैं, पर बहुत से लोग जो है ऐसे हैं जो एकदम पारंपरिक तरीके से जो है खेत को बैलों से बाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जो हमारे अंकल हैं वो जो है 2 बैलों से जो है खेत को बा रहे हैं। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लोग एकदम पारंपरिक तरीके से जो है खेतों को बा रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे भारत में 70% लोग जो है कृषि पर ही निर्भर हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ये भी पता होगा, जो हमारा भारत है यह विश्व में गेहूं उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। और ये हमारी 2 बैल है, हशी और बीनू। तो दोस्तों, ये देख पा रहे हैं जिस खेत को अभी हम बा रहे हैं। और दोस्तों, आप इनमें जो इतने बड़े बड़े ये मिट्टी के ढेल देख पा रहे हैं, दोस्तों इन्हें बराबर करने के लिए इसके ऊपर मोई डाला जाता है। तो दोस्तों, अभी कोई मोई नहीं डाल रहा है, वरना मैं आपको दिखाता। और दोस्तों, अभी तो ये एकारी बार रखा है, फिर इसके ऊपर मोई डालेंगे, फिर उसके बाद द्वार बाएंगे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, मतलब बहुत लोग बोलेंगे कि आप तो बैलों को थका रहे हो। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, जितना मेहनत हमने असोज में कर रखा है उतना ही मेहनत गाय बैल भी करते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है, जितना भी चारा होता है वो हम सब गाय बैल को ही देते हैं। और दोस्तों, अभी आप जैसा कि पीछे आप मौसम देख पा रहे हो, काफ़ी भयानक मौसम हो चुका है, ऊपर से बारिश भी आ रहा है। तो मुझे भी जल्दी घर को जाना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग जो है घर को जा रहे हैं अभी।